Hi, I'm Tanisha Singh and you are watching the onfilmsofindia.com. आई थिंक जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा तो मुझे लगता है लोग मुझे पकड़ पकड़ के पूछेंगे, बिकॉज यू नो अभी नॉर्मल लाइफ में भी मैं कहीं जाती हूँ ना तो लोगों के पास कोई टॉपिक नहीं होता, बस ये एक ही टॉपिक रहता है. अच्छा बताना ऐसी क्या खास बात लगी, क्या खास बात लगी, अच्छा बताना मिला क्या हो तुझसे, आई मीन यू नो वगैरह वगैरह. यू नो बहुत लोग मुझसे ये चीज़ें पूछते हैं. इनफैक्ट सी कोई भी अट्रैक्शन और किसी के भी फैन होना तो कुछ ऐसा कोई मुहूर्त या टाइमिंग या ईयर नहीं होता है. आई लाइक हिम सिंस लॉन्ग, बट बिकॉज अभी इलेक्शन है तो ये अच्छा टाइम था यू नो किसी को प्रूव करना कि मैं कितनी बड़ी फ़ैन हूँ. बिकॉज अगर आप किसी के फ़ैन हो तो आप उसके लिए कुछ अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे. तो अभी यही टाइम था प्रूव करने के लिए राहुल जी के लिए मुझे कि आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स, सो आई एम डूइंग दिस एंड दिस इज़ माई सपोर्ट टूवर्ड्स यू. देखिए जब तूफान आता है ना तो किसी को पता नहीं चलता, वो अचानक आता है, या तो उजड़ जाता है या तो बन जाता है. तो वैसे जो राहुल जी और मेरा जो मिलना होगा या जब भी हमारी मुलाकात होगी तो आई एम श्योर वो अनाउंसमेंट नहीं होगा, सडनली होगा. जब सडनली होगा तो सबको पता चल जाएगा. अरे बाप रे, आपको लगता है मैं पॉलिटिक्स में जा सकती हूँ? और आई एम श्योर अगर मैं पॉलिटिक्स में जाऊँगी तो इतना बड़ा ताला लग जाएगा, बिकॉज अभी मैं सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन में हूँ तो अभी सिर्फ उस चीज़ का पता है, आगे का पता है नहीं. तो आगे का कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने. हाँ मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ, हिंदी मूवी है, प्रोडक्शन नंबर 1 है, अतुल पटेल उसके प्रोड्यूसर है और उसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो लारा क्रॉफ्ट उससे लाइक उसका सब्टिट्यूट या उसका गेटअप है. और आई एम डूइंग प्रमोशनल सॉन्ग, जो टाइटल सॉन्ग होता है आई एम डूइंग दैट. जी कुछ बोल नहीं सकते हैं बिकॉज कब कौन किसका डायरेक्शन कहाँ चला जाता है. जो लोग सिर्फ आइटम करते थे वो एक्ट्रेस भी हो गए, जो एक्ट्रेस थे वो आइटम. इनफैक्ट आइटम के लिए एक्ट्रेस में बहुत मारा भरी आज के डेट में. मतलब हर हीरोइन को आइटम सॉन्ग करना, पहले वो लोग बोलते थे आइटम मतलब बोलो तो ये आइटम लड़की है, ये तो ऐसी है. आई डोंट नो क्यों रॉन्ग बोलते थे. इनफैक्ट आप बिलीव करोगे आइटम सॉन्ग में जितना कॉस्ट जितना एक्सपेंसिव होता है ना उतना इवन रोमांटिक गाने में भी खर्चा नहीं होता है. अगर आइटम गर्ल्स ख़राब है तो फिर हीरोइंस क्यों करती हैं? आज के में सारे हीरोइंस को आप देखो सबके सब आइटम करती हैं. तो यू कैन से कि स्पेशल सॉन्ग होता है बिकॉज इसके कॉस्ट ही इतनी एक्सपेंसिव होती है. तो आई एम वेरी मच हैप्पी पीपल आर सेइंग मी आइटम गर्ल. वैसे मैं आइटम भी हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ, मैंने एज ए हीरोइन भी काम किया है तमिल में और एज ए आइटम भी किया है. तो सी आई एम व्हाट यू कॉल, आई एम फ्लेक्सिबल. मुझे दोनों काम पसंद है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ. देखो अगर मैं लिस्ट बनाऊँगी तो फिर वो नाराज़ हो जाएगा, उसका नाम नहीं लूँगी तो वो नाराज़ हो जाएगा, उसका नाम नहीं लूँगी तो वो नाराज़ हो जाएगा. मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे काम करना है और मैं चूज़ ही नहीं हूँ कि मुझे इसी डायरेक्टर के साथ काम करना है या इसी प्रोड्यूसर के साथ काम करना. और मेरे ख्याल से जो एक आर्टिस्ट होता है उसको हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. एक तो रियलिटी शो या तो सिंगिंग के होते हैं या तो डांसिंग के होते हैं. डांसिंग में बिकॉज आज के डेट में या तो जैसे नच बली है तो उसमें सिर्फ कपल आते हैं, आई डोंट हैव अ कपल, राहुल जी नहीं नाचेंगे मेरे साथ, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ जोक. तो वो बिकॉज मैं सिंगल हूँ तो मैं वो नहीं कर सकती. सेकेंडरी आता है डांसिंग एंड डांस, वो सारे न्यू होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, कहाँ कहाँ से बेचारे आते हैं. या फिर थर्ड होता है या फिर कोई कुकिंग का या फिर ऐसा, या फोर्थ या होता है बिग बॉस. तो बिग बॉस जैसे लास्ट टाइम चांसेस थे मेरे जाने के, बट यू नो मेरा क्योंकि एक प्रोजेक्ट था, मैं एक फिल्म कर रही हूँ अवर्तिकाल तमिल में, तो उसका पहला शेड्यूल था तो फिर मैं वो छोड़ के इधर नहीं आ सकती थी. बिकॉज वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो है तभी तो मैं हूँ और तभी तो आप लोग हमें जानते हैं. मैं खुद मुंबई से बिलोंग करती हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, तो इसलिए मुझे अपने यहाँ काम करना अच्छा लगता है बॉलीवुड में. ठीक है मैं तमिल में चली गई बिकॉज बिफोर आई यूज़ टू इन फैशन, आई वॉज़ अ रैम मॉडल, तो ये मुझे पुश किया साउथ में. साउथ में मुझे पहला ब्रेक मिला तो मैंने कि ऐसी बात नहीं कि मैंने हिंदी में नहीं किया. जैसे लास्ट ईयर भी मेरा वीडियो आया था, आप लोगों को पता होगा 18 करोड़ के ठुमके. उसके पहले भी मैंने जैसे और भी वीडियोस किए हैं, टी सीरीज़ के किए, वीनस के किए, तो मैंने मिक्स एंड मैच रखा. बट
अपने बॉलीवुड का सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉबैक है, अगर लोग उसको सुधार दें, यहाँ पे ना पंक्चुअलिटी नहीं है। मतलब 6 बजे का शिफ्ट है तो लोग 7 बजे, इनफैक्ट कितने बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं सेट पे अकेले बैठी हूँ गाड़ी में, डांसर का पता नहीं, डांसर तो छोड़ो डायरेक्टर का पता नहीं था, मैं वो चाय वाले के साथ बैठी हूँ अपने गाड़ियों में बैठ के, अरे आप तो कोई आए मेहरबानी तो करो, फिर फ़ोन कर रही हूँ, मेरा मैनेजर फ़ोन कर रहा है, मैडम आप पहुँच गई, मैंने कहा बिकॉज मैं बहुत पंचुअल हूँ, बिकॉज मैंने जिस इंडस्ट्री में काम किया है वहाँ पे अगर आप 6 बजे का अगर कैमरा तो मतलब 6 बजे कैमरा ऑन, मतलब वो लोग लत मार के उठा देते हैं 3 बजे आपको उधर 6 बजे, मैडम अम्मा यू हैव टू रेडी, यू हैव टू रीच बाय 6 o'clock एनी हाउ, एनी हाउ मीन्स एनी हाउ। एक्चुअली क्या है वो थोड़ा थोड़ा आता है, लाइक वड़कम सरिकम वेरी कुंजम वाड़ा, मतलब यू नो, तो छोटा 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 शब्द आता है। जैसे अभी हम लोग सेट पे रहते थे वहाँ पे, तो मैं अपने मेकअप मैन को बोलती थी दादा मेकअप सिरकम सिरकम आई वॉन्ट गो सिरक, आई मीन यू नो ऐसे छोटे छोटे आ जाते हैं शब्द, बिकॉज ये तो चीज़ें ऐसी है जब आप उठते बैठते हो करते करते तो आ जाती है। अब जैसे मराठी आती थोड़ी बहुत तो यू नो, हाँ ऐसी लिटिल 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 ना, वेरी कुंजम 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 आई नो तमिल। मुझे जैसे एक फिल्म आई थी चमेली, तो वो ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था, बहुत पोलाइट मूवी थी, ज़्यादा मगजमारी नहीं थी, ज़्यादा टेंशन नहीं था वो फिल्म में, स्टोरी भी बड़ी स्मूथ थी, बड़ी ब्यूटीफुल थी, करने के लिए बहुत कुछ था। तो ऐसे मुझे अगर फिल्म मिलती है तो रियली आई एम डाइंग टू डू दैट। नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल एक आई एम नॉट सेइंग डोंट टेक मी रॉन्ग वे, उनकी अपनी पर्सनालिटी है, उनकी अपनी आइडेंटिटी है, दे आर ओनली इन टू कॉन्ट्रोवर्सी, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। और सेकेंडरी अगर सपोज़ अगर जैसे अभी मुझे ये राहुल जी के केस में बहुत लोग ने बोला पूनम पांडे ने वैसा किया था, इसने ऐसा किया था, आपने भी ऐसा ऐसा वैसा किया, मैंने कहा पहली बात तो मुझे बताओ, वो क्रिकेट का मैटर था, वो क्रिकेट में उसने बोला खोल दूंगी ये कर दूँ, तो खोलना चाहिए था। मैंने बोला मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती तो मैं सपोर्ट कर रही हूँ, और अगर बाई चांस कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को आइडियल बनाता है, तो वो व्यक्ति वो पर्सनालिटी भी उस लेवल का होना चाहिए। पूनम पांडे वीनम मलिक और हुएवर एसेट्रा एसेट्रा, दे आर नॉट ऐश्वर्या राय, दे आर नॉट डायना हैंडेड और ये प्रिंसेस डायना जो मैं उनको फॉलो करूँ या कॉपी करूँ। और अगर तनिषा सिंह को कॉपी करना है तो तनिषा सिंह वैसे पर्सनालिटी का करेगी, कोई लीजेंड या किसी ऐसे का करेगी, मैं उनको डाउन नहीं कर रही हूँ, वो अपने जगह बेस्ट है, वो अपने जगह सुपर हिट है, आई डोंट माइंड। बट आप कॉपी का रहा सवाल कंसर्न, तो कॉपी ऐसे लोग के साथ किया जाता है ना कि ऐसे लोगों के साथ, मेरे हिसाब से। मैं स्वीट के साथ बहुत स्वीट हूँ और जो मेरे साथ हार्ड है मैं उनके साथ भी बहुत स्वीट हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई प्यार करता है तो आप तो वाकई में उससे प्यार करेंगे, बट जब आपके साथ कोई नफरत करता है तो उसके साथ भी प्यार करना चाहिए मेरे हिसाब से, इस बहाने आप उसके दिल और दिमाग में तो हो कम से कम। तो मैं दोनों ही सूरतों में हर किसी को प्यार करती, दिस इज़ माई नेचर। मैं अपने व्यूअर्स को बहुत प्यार करती हूँ, बिकॉज आज तनिषा सिंह का आइडेंटिटी ओनली बिकॉज ऑफ व्यूअर्स, मीडिया तो है हमारे साथ, क्योंकि मीडिया और हम एक दो आँख है, जैसे आर्टिस्ट और मीडिया दो आँख है, बिना कोई एक किसी के चलता नहीं है। और आई एम वेरी मच लक्की, आई एम फीलिंग माई सेल्फ आई एम वेरी लक्की, मेरे व्यूअर्स टचवुड बहुत अच्छे हैं। मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलूँगी कि मुझे प्लीज़ आप ब्लेसिंग दो कि मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, आप लोग के ब्लेसिंग से, आप लोग के प्यार से मैं बहुत कुछ करूँ लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़्यादा राइज करूँ, और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिट्स दो, वैसे भी आप लोग बहुत देते हो, बट अपने वो एक छोटा सा लाइकिंग बटन में ना प्लीज़ कंजूसी मत करो, बिकॉज आई नीड दैट और आई लव यू लॉट, और हमेशा मैं आप लोग को बहुत प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, और विश मी ऑल द बेस्ट फॉर माई फ्यूचर प्रोजेक्ट।